दोस्तों, मैं इस्माइल खान और आज हम लोग ये जानेंगे कि करंट हमारी ज़िंदगी में जितना ज़रूरी है, जितनी अहमियत रखता है, इलेक्ट्रिक के बगैर कोई भी चीज़, हमारी जो भी आसपास की चीज़ें हैं, बहुत सी सारी इलेक्ट्रिक से ही चलती हैं। इलेक्ट्रिक हमारे लिए जितना ज़रूरी है उतना ही ख़तरनाक भी है। आज हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक को हम छू कैसे सकते हैं। इलेक्ट्रिक को छू के मैं बताऊंगा, जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आप भी छू सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि कहीं आपका जिस्म ज़मीन को ना छू ले। अगर ज़मीन से आपका जिस्म का कोई भी हिस्सा टकराएगा तो आपको करंट लग सकता है। आइए हम लोग देखते हैं इसको। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ 200 वाट का एक बल्ब है और इसको जलने के लिए इसमें जो हम एक इलेक्ट्रिक देंगे, इसके लिए हमारे पास ये सॉकेट है जिसमें 200 वोल्ट की सप्लाई है। इस सप्लाई को मैं यहाँ से इस बल्ब के लिए जोड़ रहा हूँ, एक तरफ से पॉजिटिव और एक तरफ से निगेटिव। ये जब हमने सप्लाई दिया और इसे ऑन किया तो ये बल्ब जल गया। अब आप देख रहे हैं कि एक तरफ से इसमें पॉजिटिव जा रही है और एक तरफ से इसमें निगेटिव जा रही है। ये हमारा पॉजिटिव का रास्ता है और ये निगेटिव का रास्ता है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। आप देख रहे हैं इस रास्ते से भी सप्लाई इस बल्ब के अंदर जा रही है। इसी तरह से दूसरा रास्ता इसका ये है। हम इन दोनों में से किसी भी रास्ते को अगर अलग करते हैं, ये चाहे ये, जैसे माना हमने इसको अलग किया, तो आखिर इस वाले से सप्लाई जो इसमें से जा रही थी उसको मैंने ब्रेक किया है, मैं इस वायर को भी छू सकता हूँ और इस वायर को भी छू सकता हूँ। देखिए, ये मैंने छुआ और इसको भी मैंने छुआ, लेकिन इसमें कोई करंट हमको नहीं लग रही है, इसका कोई शॉक नहीं लग रहा, जबकि इसमें सप्लाई जा रही है। और अगर हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट करके भी हम इसको छूते हैं, तो भी हमें कोई करंट नहीं लगती। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 220 वोल्ट की सप्लाई जा रही है और ये हमारा 200 वाट का बल्ब है। और ये वायर हमने तोड़ा या ये वायर तोड़ा तो ये हमारा सीरीज की तरह काम कर रहा है इस वक्त। इससे हम किसी बल्ब को भी देखें, ये हमारा सीरीज बल्ब है। जब हमने किसी कम वाट के बल्ब को इस पे लगाया तो ये बल्ब जला और ये हमारा 200 वाट का बल्ब नहीं जला। तो इस तरह से दोस्तों, हम करंट को बहुत ही सावधानी से छू सकते हैं। ये देखिए, जैसा कि हमने इसको छुआ, जैसा कि मैंने इसको छुआ और इन दोनों को ये मिलाया और मिला के भी छू सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त है कि हमारा जो जिस्म है वो ज़मीन से ना टच करे, यानी अर्थ ना करे। इससे होता यह है कि जो इलेक्ट्रिक इस बल्ब को जा रही है वो इन वायरों के थ्रू बल्ब तक पहुंच रही है। हमारा जिस्म अगर ज़मीन से टच करेगा तो इसमें से इलेक्ट्रिक होती हुई हमारे शरीर से जिस्म से नीचे अर्थ को जाएगी और हमें करंट का झटका लगेगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। और इस तरह के वीडियो और भी देखने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।